तो सहाबा की जमात कौन सी जमात है? सबके सब आदिल मुत्तकी परहेजगार। तकसीम आम लोगों में चलेगी, नबी के असहाब में नहीं चलेगी। और इसीलिए नबी ने फरमाया, असहाबी कुल्लुहुम अदूल बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, मेरे सहाबा असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह है, इनमें जिनके पीछे तुम चल पड़ोगे हिदायत पा जाओगे। है कि नहीं? ये सब बात मैं थोड़ा इसलिए कह रहा हूं कि YouTube का जमाना है। अभी ख्वाजा ख्वाजगां अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतो वर रिदवान के आस्ताने पे जो घटना हुई, घटना क्या हुई? दुर्घटना हुई, सब लोग जानते हैं। किस बुनियाद पर यह दुर्घटना हुई? जहां पर और बुनियादें थीं, एक बुनियाद ये भी थी कि वहां पर एक अजीमुश्शान सहाबीए रसूल सैयदना अमीरे मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का नारा लगा। समझ रहे हैं आप? गौर से सुनिएगा हजरत, क्या वजह? एक बड़ी वजह ये थी कि सैयदना अमीरे मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का नारा लगा, और सैयदना अमीरे मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबीए रसूल हैं, जो अल्लाह के महबूब के सबसे करीबी रिश्तेदार नहीं है। दुनिया में सबसे करीबी रिश्ता कौन सा माना जाता है? बीवी के भाई का सबसे करीबी रिश्ता होता है। आप लोग जिसको साला कहते हैं, बीवी का भाई, उम्मुल मुमिनीन सय्यदा उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान के भाई कौन थे? सय्यदना अमीरे मुआविया। तो रसूलुल्लाह के ब्रदर इन ला थे, बिरादरी निस्बत थे। वो वाला लफ्ज हम नहीं बोलेंगे, सहाबी रसूल है कि नहीं? और ऐसे सहाबी कि अल्लाह के रसूल ने वही इलाही की किताबत के लिए उनको चुना, ये शान थी उनकी। कातिनबी ने वही की टीम में हजरत अमीर मुआविया शामिल, लेकिन ये जितने राफजी हैं दुनिया के शिया लोग, ये ढेर सारे सहाबा को जैसे गाली देते, सैयदना अमीरे मुआविया को सबसे ज्यादा गाली देते। नाम ले ले इन बेईमानों के पास अगर हजरत अमीरे मुआविया का, तो इनको जला ला जाता है, बुरा लगता है, है कि नहीं है? मगर याद रखना, पैगंबर की हमारे लिए हिदायत है कि इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम, जब तुम उन लोगों को देखो जो मेरे सहाबा को बुरा भला कह रहे हो, तो चुप मत बैठना, कहना कि तुम्हारी शरारत पर खुदा की लानत। ये कहना, ये जिम्मेदारी है कि तुम्हारी शरारत पर खुदा की लानत। तो जिन अजमेर के जिन राफजी खादिमों ने नबी के एक सहाबी की शान में गुस्ताखी की,
डंके की चोट पर हम भी कहते हैं उन्हें जाहिल राफिजी मुजावेरों, तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत है कि नहीं। और भले मजमे में कम है लेकिन आजकल तो लोग लाइव तकरीर सुनते हैं ना। हमको मजमे में 100 आदमी दिख रहे हैं लगभग, लेकिन न जाने कितनी जगह से रात तकरीर सुन रहे। आप तो थे नहीं, लाइव देख रहे है कि नहीं, सुनेंगे पैगाम पहुंचेगा इंशाल्लाह। तो क्या कहना, लानतुल्लाह अला शर्रिकुम, तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत। सहाबा की जमात वो जमात है जिनके तवस्सुत से, जिनके माध्यम से दीन बरहक इस्लाम हमारे पास पहुंचा, जो हमारे नबी के हाथ पर कामिल हुआ है। और अब अगर इस्लाम बोला जाता है तो वही कामिल इस्लाम है जो मेरे नबी के हाथ पे मुकम्मल हुआ है। अब ये इस्लाम आया कैसे, सहाबा के वास्ते से है कि नहीं। सहाबा ही अगर गलत हो गए, वही पे एतमार हो गए, नाकाबिले एतमाद हो गए, तो कुरान मशकूक हो जाएगा, नबी का फरमान मशकूक हो जाएगा, पूरा दीन इस्लाम मशकूक हो जाएगा। दीन बरहक है, कुरान बरहक है, नबी बरहक है, और ये सारी बरहक चीजें हमें सहाबा के माध्यम से मिली है। तो हमें ये अधिकार नहीं है कि सहाबा की शख्सियत को मजरूह कर दें, है कि नहीं है। अगर कुछ लोग कहते हैं, सुनिएगा, ये हजरत अबू सुफियान तो मजबूरी में फतेह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए, ये अमीर मुआविया ही तो मजबूरी में फतेह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए, चारा ही नहीं था कुछ मुसलमान होने में। मुसलमान हुए कैसे, इस्लाम ये नहीं देखता। इस्लाम का कहना है कि अगर कुफ्र और शिर्क से तौबा करके कोई मुसलमान हो गया तो ज़माने कुफ्र के जितने पाप थे वो सब धुल गए, इस्लाम ने धुल गए। और इस्लाम लाने के बाद जब सारा पाप धुल गया तो अब माजी नहीं देखा जाएगा, वर्तमान और हाल देखा जाएगा, है कि नहीं। माजी नहीं देखा जाता, पहले कौन कैसा था ये नहीं देखा जाएगा, तौबा करने के बाद अब कैसा हो गया ये देखा जाता है। भाई फारूक आजम क्या थे, नंगी तलवार लेके निकले थे खुदा के महबूब को कत्ल करने। अब माजी याद दिलाओगे कि पहले क्या किया था उन्होंने, पहले तो निकले थे तलवार लेकर कत्ल करने के लिए, लेकिन नबी के दामन में आए, कुफ्र से तौबा किया, इस्लाम कबूल कर लिया। तो अब इस्लाम माजी नहीं देखेगा, नबी की बताई हुई ये शान देखेगा कि लौकाना बादी नबी जुल्लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होती, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होती। अब हाल न देखा जाएगा। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि दीन इस्लाम को समझिए और दीन इस्लाम में सहाबा की शान क्या है वो समझिए। एक हदीस में मुसनदे इमाम अहमद इब्ने हंबल की हदीस, उसमें ये लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने तमाम बंदों के दिलों पे नजर डाली, खास नजर,
मखसूस नजर डाली अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, तो सबसे अच्छा दिल अपने महबूब का पाया, सबसे अच्छा दिल, और सबसे अच्छा दिल अपने महबूब का पाया तो अपना महबूब बनाने के लिए चुन लिया, आखिरी रसूल बनाने के लिए चुन लिया, और फिर नबियों की जमात के बाद जब और लोगों के दिलों पे नजर डाली तो नबी के जो सहाबा की जमात थी उनके दिल सारे बंदों के दिलों के मुकाबले में सबसे अच्छे, तो इनके सबसे अच्छे लगे तो अपने महबूब की सोहबत के लिए, अपने महबूब की सहाबियत के लिए, उनकी हमनशीनी के लिए, दीन की इकामत के लिए सहाबा को चुन लिया। तो सहाबा ऐसी वैसी जमात नहीं है, ये नबी की नुसरत और हिमायत के लिए खुदा की तरफ से चुनी हुई और सिलेक्टेड जमात है सहाबा, है कि नहीं? तो सहाबा की अजमतों का जो खून करेगा वो सही मानो में मुसलमान हो ही नहीं सकता, न इस्लाम मान रहा, न दीन मान रहा, न कुरान मान रहा, क्योंकि उन्हीं के वास्ते से हमें मिला है, दीन मिला, कुरान मिला, इस्लाम मिला, हमें सहाबा के तवस्सुत से मिला, और जिनके तवस्सुत से मिला हम जानते हैं कि ये सब के सब आदिल हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, जिनके पीछे हम चल पड़ेंगे तो हमें हिदायत मिल जाएगी, है कि नहीं है? सहाबा में भी सबसे ऊंची शान किसकी है? सैयदना सिद्दीक अकबर, नबियों और रसूलों की जमात के बाद सबसे ऊंची शान उनकी, और उसके बाद सबसे ऊंची शान फारूक आजम की, फिर सैयदना उस्मान गनी की, फिर सैयदना अली इब्ने अबी तालिब की, यानी जो खिलाफत की तरतीब है ये वही है जो फजीलत की तरफ तरतीब है, कि जो सबसे अफजल था पहला खलीफा बना, उसके बाद जो सबसे अफजल था दूसरा खलीफा बना, उनके बाद जो सबसे अफजल था तीसरा खलीफा बना नबी का, और जो उसके बाद सबसे अफजल था चौथा खलीफा बना अल्लाह के रसूल का, है कि नहीं? ये तरतीब है सहाबा, लेकिन ये तरतीब अपनी जगह पर ये तय है कि सहाबा सब के सब आदिल हैं, सब के सब मुत्तकी हैं, सब के सब परहेजगार, है कि नहीं? दीन जो हमको मिला है किसके वास्ते से मिला? सहाबा के वास्ते से। उन्हीं वास्तों को आप कमजोर कर दीजिएगा तो फिर दीन का अल्लाह है कि नहीं? इसलिए अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है इजमाई अकीदा, याद रखिएगा इजमाई अकीदा, कि पैगंबर के सारे सहाबा आदिल मुत्तकी परहेजगार है, आपस में जो इनके इख्तलाफात हुए, जो जंगें हुई, जो लड़ाइयां हुई, इनकी बुनियाद कतअन नफसानियत पर नहीं थी, अपने इज्तिहाद, और इज्तिहादी गलती तो हम जरा ठीक से समझाते लेकिन इतना समझा दें कि इज्तिहाद में अगर गलती होती है तब भी अल्लाह सिंगल सवाब देता है, और अगर दुरुस्त इज्तिहाद हो गया तब अल्लाह डबल सवाब देता है। मौला अली की, सैयदना अमीरे मुआविया की बाहम जंग हुई, हजरत अली पर हक थे, सैयदना अमीरे मुआविया पर हक नहीं थे,
लेकिन इसके बावजूद पंचायती करने का अधिकार हमको नहीं है। इस जंग की बुनियाद नफसानियत पर नहीं, इज्तिहादी खता पर थी। अमीरे मुआविया को सिंगल सवाब मिलेगा, मौला अली को डबल। हमको हक नहीं पहुंचता उनमें से किसी को बुरा कहने। सैयदना अमीरे मुआविया की ये शान कि इस्लाम के फरोग व इशाअत में दरिया का सफर करके पहली बार जिन्होंने जंग की है उनका नाम है सैयदना अमीरे मुआविया। इस्लामी तारीख में इस्लामी सियासत की जैसी शानदार मिसाल है अमीरे मुआविया, दुनिया के सियासतदानों को उनसे सियासत का सबक सीखना पड़ेगा। इतने बड़े सियासतदान सैयदना अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के मुकद्दस रसूल ने जिनके हक में दुआ की, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन व बहदिया, ए अल्लाह तू इन्हें हादी भी बना दे और हिदायत याफ्ता भी बना दे। नबी ने जिसके लिए हादी और महदी होने की दुआ की हो, ये राफिजी बेईमान उनके नाम से चिढ़ते हैं। अजमेर शरीफ में इन मुजाविरों ने हंगामा किया, आला हजरत के नाम पे भी, अमीरे मुआविया के नाम पे भी है कि नहीं? ये किस बुनियाद पर? एक सहाबी रसूल से जलन की बुनियाद पर। इसलिए हम अजमेर शरीफ जाने वाले तमाम मुसलमानों से गुजारिश करेंगे कि ख्वाजा की दरगाह में ज्यादातर मुजाविर राफिजी शिया हैं, लेकिन कुछ मुजाविर सुन्नी सही अकीदा भी है। अगर आपको रुकना हो तो सुन्नी मुजाविर के घर रुकिए, उनकी वकालत में हाजिरी देनी हो तो सुन्नी मुजाविर को चुनिए। वहां पर जो राफिजी मुजाविर हैं उन्हें खास डालने की जरूरत नहीं है, उनका नजराना बंद कर दीजिएगा। आप लोग ना रोजे गरीब नवाज पर शिया नहीं जाता, मसलक के आला हजरत के मानने वाले जाते हैं। ये जाना बंद कर देना, उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी जिनके नाम से चढ़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको तौफीक अता फरमाए हर वली की बारगाह में हाजिरी की, लेकिन राफिजियों और शियों के सर से हर सुन्नी मुसलमान की हिफाजत फरमाए। तूफान अश्क लाने से चश्म फायदा, दो बूंद भी बहुत हैं अगर कुछ असर करे। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।